फ्रेंड्स, हम आपको अमेजोन का केवाईसी कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा फुल केवाईसी के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। अमेजोन पे क्लिक करते हैं हम। अमेजोन पे क्लिक करने के बाद में मेनू बार पे जाके अमेजोन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद केवाईसी पे क्लिक करते हैं। कि दोस्तों, केवाईसी के लिए हमें सभी डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखना ज़रूरी है। केवाईसी पे हम जब जैसे ही क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये दोस्तों सेल्फी अपलोड करना है। फ़ोटो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें सेल्फी में हमें गॉगल वगैरह पहन के नहीं सेल्फी लेना है और पासपोर्ट साइज़ का ही फ़ोटो आना चाहिए इसमें, क्योंकि फ़ोटो रिजेक्शन के रेशियो ज़्यादा है, इसलिए बहुत क्लियर फ़ोटो लें आप। हैं और एड्रेस प्रूफ पे क्लिक करते हैं। एड्रेस प्रूफ में देखिए दोस्तों, अब आधार ऐड हो गया है। इसमें सिक्योरिटी पर्पस से जो है बताया गया है कि आप ओनली लास्ट के 4 डिजिट ही शो करें। प्रूफ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपलोड फोटो पे क्लिक किया, फ्रंट इमेज, और कंटिन्यू करते हैं। पैन कार्ड का एड्रेस प्रूफ क्लिक करते हैं। यहाँ पे फ्रंट इमेज पेन का अपलोड करने के बाद कंटिन्यू करते हैं, एग्री करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के बाद सबमिट कर देते हैं। अभी तक की सारी प्रोसेस हमने कस्टमर के मोबाइल से की है। यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट नहीं करना है आपको। मैनेज अमेजोन पे क्लिक करना है। अमेजोन पे क्लिक करके आप अगेन होम पेज पे, अमेजोन के होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे स्कैन एंड पे क्लिक करके आपको एजेंट के QR को स्कैन करना है। जनरेट करते हैं, ये आपकी KYC डन हो चुकी है, सक्सेसफुल हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अब अमेजोन बनने के लिए, अमेजोन एजेंट बनने के लिए। अमेजोन में एजेंट बनने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे सेलिंग सर्विसेज ऑन अमेजोन का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इस पे डाउनलोड करने के बाद आप आईडी पासवर्ड डालते हैं। अमेजोन में आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम इंटर करते हैं OTP। दोस्तों, इसमें वही आईडी पासवर्ड डालना है जो आपका अमेजोन में रजिस्टर्ड है। हम इसमें अपने आईडी और पासवर्ड डाल के इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। या ये याद रखें, इसका आईडी पासवर्ड किसी से लेना नहीं है, इसका वही आईडी पासवर्ड है जो आपके अमेजोन में रजिस्टर्ड है। और अमेजोन एजेंट बनने के लिए भी आपको वही डिटेल देनी है एक्टिवेशन के लिए जो अमेजोन में रजिस्टर्ड है। आपका वही मेल आईडी, आपका वही मोबाइल नंबर, सेम आपको एक्टिवेशन के लिए ही डिटेल देनी है। दोस्तों, कस्टमर के मोबाइल, एजेंट के मोबाइल में ये हम QR जनरेट करते हैं। इसके इस बात का ध्यान रखें कि ये QR जो है 3 से 5 सेकंड के लिए ही आता है, इसलिए कस्टमर के मोबाइल में के डैश अमेजोन के डैशबोर्ड पे जो स्कैन एंड पे का ऑप्शन आता है, उस कैमरे को पहले ओपन रखें और इसके बाद ही QR को जनरेट करें। अमेजोन एजेंट बनने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसका आप फॉर्म फिल करके डायरेक्ट हमसे टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिटेल आपको अमेजोन का मेल आईडी और मोबाइल नंबर ही देना है, जिससे आपका एक्टिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।